जय हिंद बच्चों, मैं आनंद चौहान पाथफाइंडर डिफेंस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से एक बार फिर से सभी का स्वागत करता हूं। आज हम राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज की बात करने वाले हैं, बिकॉज नोटिफिकेशन इज आउट, नोटिफिकेशन आ चुके हैं। जो बच्चे सेवंथ क्लास को पास कर चुके हैं या सेवंथ क्लास में हैं, तो उनके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि इंडिया मोस्ट प्रेस्टिजियस स्कूल या कॉलेज, जहां पर एट्थ क्लास से लेकर एट्थ नाइन टेंथ इलेवन ट्वेल्थ के लिए जो है वो बच्चों को पढ़ाया जाता है, बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता, वहां पर ऑफिसर बनाया जाता है। हम यू कह सकते हैं, आरआईएमसी को हम एक तरीके से ऑफिसर फैक्ट्री भी कह सकते हैं, क्योंकि वहां पर पढ़ने के बाद ठीक है ना, अधिकांश मैक्सिमम सभी का सभी बच्चा धीरे धीरे जो है एनडीए से लेकर सीजीएस में कहीं ना कहीं वो सेलेक्ट होकर भारतीय सेना, भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना यानी आर्मी नेवी एयरफोर्स में एज एन ऑफिसर वो कमीशन हो ही जाता है। इसीलिए आरआईएमसी की डिमांड जो है बच्चों के पेरेंट्स के बीच सबसे ज्यादा होती है कि हमारा बच्चा आरआईएमसी का हिस्सा बन जाए, किसी तरीके से मेहनत करके अगर उसे आरआईएमसी का एग्जाम क्लियर हो जाए तो हमारा बच्चा आने वाले समय में श्योर शॉट है वो जाएंगे कि हमारा बच्चा ऑफिसर बन ही जाएगा। तो इस उम्मीद में वो हमेशा लगे रहते हैं, चाहे वो बच्चा हो चाहे पेरेंट्स हो। तो उन्हीं उम्मीदों में पहला जो स्टेप होता है वो हमेशा एग्जामिनेशन फॉर्म भरने को लेकर के होता है, क्योंकि नोटिफिकेशन आने के बाद बहुत सारे पेरेंट्स को पता नहीं चलता है। तो हम अपने इस चैनल के माध्यम से सभी बच्चों को बताना चाहते हैं कि आरआईएमसी के फॉर्म भरने को में नोटिफिकेशन से लेकर के एग्जामिनेशन तक के बीच में जो जो सारे स्टेप्स होते हैं उन हम सारी चीजों की बात करेंगे, चाहे वो एज लिमिट होगा, चाहे वो डेट ऑफ बर्थ की बातें होंगी, चाहे वो रिजर्वेशन की बातें होंगी, चाहे वो फॉर्म फीस की बातें होंगी, एग्जामिनेशन मॉड्यूल की बातें होंगी, एवरीथिंग, रिजल्ट की बातें होंगी, इंटरव्यू की बातें होंगी, एवरीथिंग इन इट, क्या क्या कब कब होता है, किन किन स्टेप्स पे चीजें होंगी, हम उन सारी चीजों की बातें करेंगे अपने इस वीडियो में। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून 2024 एप्लीकेशन फॉर्म, डेट्स, एलिजिबिलिटी और एग्जामिनेशन पैटर्न की हम बात करने वाले हैं। यहाँ पर आरआईएमसी एंट्रेंस एग्जाम जुलाई 2024, applications are invited for boys and girls for admission for class 8th in the Rashtriya RIMC Dehradun for July 2024 term. ठीक है, 2024 के जुलाई 2024 टर्म के लिए जो है बच्चों को क्या क्या इनवाइट किया जा रहा है आरआईएमसी की तरफ से, भैया फॉर्म भरिए। विच विल बी कंडक्टेड एज अ स्पेसिफाइड सेंटर ऑफ रेस्पेक्टिव, कुछ कुछ रेस्पेक्टिव सेंटर्स पर पेपर हो गए बेटा। आरआईएमसी एडमिशन टेस्ट फॉर स्टूडेंट विच इज गोइंग टू बी हेल्ड ऑन 2nd December। देखिए डेट क्लियर कर दी है नोटिफिकेशन में कि भैया जो आपकी क्या है, जो एग्जामिनेशन डेट होने वाली है वो क्या है, 2nd December को, 2 दिसंबर 2024 को, 23 को क्या है बेटा, आपका एग्जाम होने वाला है आरआईएमसी का, ठीक है, फॉर द एडमिशन क्लास 8th के लिए, ठीक, जिसका सेशन कब से स्टार्ट होगा, जुलाई 2024 से, जुलाई 2024 से वो टर्म वो सेशन स्टार्ट होगा। कैंडिडेट हैव टू चेक द आरआईएमसी वेबसाइट फॉर द रेगुलर अपडेट्स रिगार्डिंग रिजल्ट्स एंड ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शंस। इंपॉर्टेंट डेट्स जितनी भी टेंटेटिव है, फॉर्म बेटा जो है वो 10 अगस्त को जो है प्रेस नोट आ चुका था, जो लास्ट डेट है वो क्या है बेटा, 15 अक्टूबर 2023 इज द लास्ट डेट टू फिल योर फॉर्म, ठीक है ना, 15 अक्टूबर 2023 तक आपका फॉर्म आरआईएमसी यानी राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज तक पहुंच जाना चाहिए। एग्जामिनेशन का जो कंडक्शन है दैट इज ऑन क्या, 2 दिसंबर 2023 को आपका एग्जाम लगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार मन में बैठा लीजिए कि 2 दिसंबर 2023 को आपका एग्जाम है और वहां से आपकी जिंदगी बदलने वाली है। कंडक्ट ऑफ वाइवा वॉइस ऑफ ओनली दोस कैंडिडेट हु आर क्वालिफाइड, द रिटन एग्जामिनेशन डेट्स विल बी इंटीमेटेड लेटर, यानी कि इंटरव्यू उन्हीं बच्चों का होगा भैया जो रिटन क्वालिफाई करेंगे और उन्हें बाद में इंटीमेट किया जाएगा, बताया जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है आरआईएमसी की, पहली बात ओनली फॉर बॉयज, अपेयरिंग फॉर द एबव टेस्ट शुड नॉट बी लेस देन 11.5 ईयर इन द एज बट शुड नॉट बी हैव अटेंड द एज ऑफ 13 ईयर्स, यानी 11.5 से 13 साल के बीच में अगर आपकी एज है बेटा तो यू मस्ट हैव फिल द फॉर्म ऑफ आरआईएमसी। डेट क्या है, एज ऑन 1 जुलाई 2024 को आप 11.5 से 13 साल के बीच में होने चाहिए भाई, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। देखो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने ये भी क्लियर कर दिया है कि अगर इससे भी क्लियर ना हो तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को क्या करिए, आप रखिए कि 2 जुलाई 2011 से लेकर के अगर 1 जनवरी 2013 के बीच में आपकी जो है डेट है, ठीक है, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ इन दोनों डेट के बीच में अगर जो है रैली कर रहा है, ठीक है, तो जो है क्या करना है, आप फॉर्म भर सकते हैं बेटा। कैंडिडेट्स एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करेंगे, कैंडिडेट शुड ईदर बी स्टडिंग इन क्लास 7th और पास क्लास 7th, यानी कि 7th में पढ़ रहे हो, 7th पास कर चुके हो तो आप फॉर्म भर कर सकते हैं बेटा। How to apply the prospectus cum application form and booklet of old question paper can be obtained only directly from the Rashtriya Military College Gadi Cant, Dehradun, Uttarakhand.
बाय द फॉलोइंग मेथड। आप डायरेक्टली जो है क्या है, आप वहां से जो है आप पा सकते हैं और ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। वहां पर 600 रुपए का पेमेंट सभी के लिए है, जनरल कैंडिडेट्स के लिए, और 555 रुपए एससी एसटी के लिए है। दूसरा तरीका है कि आप डिमांड ड्राफ्ट से जो है फॉर्म को मंगा भी सकते हैं। जो डिमांड ड्राफ्ट है वो वही 555 और 600 रुपए का बनेगा। द कमांडेंट RIMC देहरादून, इनके नाम से आपको जो है एक डिमांड ड्राफ्ट बनाना है और आपको एक लेटर लिखना है, ठीक है, RIMC, क्योंकि हमें फॉर्म की रिक्वायरमेंट है, तो वहां से वो पोस्टल सर्विसेज के थ्रू वो भर देते हैं। लेकिन एक चीज वो क्लियर कट बताते हैं भाई कि अगर आपका फॉर्म घर तक नहीं पहुंचता है किन्हीं भी कारणों से, तो उसके जिम्मेदार, ठीक है, RIMC नहीं होगा। इसीलिए मैं तो हमेशा सभी बच्चों को यही, सभी पेरेंट्स को यही जो है मैं रेकमेंड करूंगा, गो टू देहरादून, ठीक है ना, सेंटर से वहीं पर फॉर्म खरीदिए, वहीं पर फिल करिए और हाथों हाथ जमा कर दीजिए, पोस्ट ऑफिस के चक्कर में कतई ना पड़े। कभी कभी क्या होता है, टाइम से आपको जो है पेपर नहीं मिलता है, अगर टाइम से फॉर्म मिल भी गया तो आपके वापस जो है वहां पर जमा नहीं हो पाते हैं। तो हरी अप, एप्लीकेशन फीस जो है वो 600 रुपए रखी गई है फॉर द जनरल कैंडिडेट एंड 555 फॉर अदर कैंडिडेट एससी एसटी कैंडिडेट। मोड ऑफ पेमेंट जो है, ठीक है, मोड ऑफ पेमेंट जो है वो ऑनलाइन होगा, ठीक है, स्पीड पोस्ट ऑनलाइन पेमेंट अपॉन रिसिप्ट ऑफ पेमेंट द सेम विल बी डिस्पैच बाय द स्पीड पोस्ट ओनली। डिमांड ड्राफ्ट जो है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तेल भवन देहरादून बैंड कोड 01576 उत्तराखंड के नाम बनेगा। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, RIMC शैल प्रिपेयर द फाइनल सेलेक्ट लिस्ट बेस्ड ऑन द मेरिट ऑफ द स्टूडेंट बेस्ड ऑन देयर रेस्पेक्टिव परफॉर्मेंस ऑफ टोटल मार्क्स बोथ इन NIMC RIMC एंट्रेंस एग्जामिनेशन एंट्रेंस टेस्ट एंड पर्सनल इंटरव्यू वाया वाइस सोर्स फॉर द एडमिशन एट द राष्ट्रीय डेमिलिट्री कॉलेज। यानी कि जो रिटर्न है और जो आपका इंटरव्यू है, उन दोनों के मार्क्स को कलेक्टिवली एड ऑन किया जाएगा, फिर मेरिट बनाई जाएगी और उसके आधार पर आपको वहां पर जो है ऊपर के कैंडिडेट को, टॉप कैंडिडेट्स को एंट्रेंस मिलेगा। एग्जाम पैटर्न जो होने वाला है वो सुबह 9:30 से 11 जो है वो आपका मैथ्स का पेपर होने वाला है। प्रॉपर डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, कोई भी यहाँ पर जो OMR बेस्ड पेपर नहीं होने वाला है। इस चीज का माइंडसेट पहले कर लीजिएगा कि आपको सारी चीजें लिखनी पड़ेंगी। जनरल नॉलेज का जो टेस्ट है GK का, वो 12 बजे से लेकर 1 बजे तक, 1 घंटे का GK का टेस्ट होगा। एंड थर्ड वन इज 2:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक, यानी 2 घंटे का जो पेपर है आपका वो इंग्लिश का है, पूरी तरीके से डिस्क्रिप्टिव मोड में भी जाता है। और ये अगेन 2 दिसंबर 2023 को होने वाला है। मिनिमम पासिंग मार्क्स इज 50%, आपको सभी में 50% मार्क्स क्या है, यानी कि आपको 50% मैथ्स, 50% जीके और 50% मार्क्स आपको इंग्लिश में लाने होंगे। इंटरव्यू या वॉइस इंटरव्यू विल बी हेल्ड फॉर ओनली दोज कैंडिडेट हु क्वालिफाई इन द रिटन एग्जामिनेशन क्वाइट ऑब्वियसली बात है, जब लिखित परीक्षा रिटन पास करोगे तो ही इंटरव्यू में आपको जाने का मौका मिलेगा बेटा। वेन्यू मेडिकल एग्जामिनेशन फौज में कहीं पर भी अगर वर्दी का कुछ भी कोई काम है तो आपको मेडिकल तो मैंडेटरी है, उसकी तो कोई बात ही नहीं करनी है आपसे, आपको मेडिकल होना तय है। स्कीम पैटर्न की अगर हम बात करें तो मैथ्स का जो पेपर है वो मैक्सिमम जो है 200 नंबर का पेपर होता है बेटा, 9:30 से 11:30, ठीक है, 2 घंटे का पेपर मैथ्स का है। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में जो है कोई बच्चा इस पेपर को जो है अटेंड कर सकता है, दे सकता है। दूसरा पेपर जो जनरल नॉलेज का, जो 12 बजे से लेकर 1 बजे तक चलता है, और ये 75 मार्क्स का पेपर होता है, इसे भी हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में दिया जाता है। लेकिन थर्ड वन इज इंग्लिश, जो 2:30 से लेकर 4:30 बजे तक होता है, 125 मार्क्स का इंग्लिश का पेपर होता है। इसे सिर्फ इंग्लिश में ही दे सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश को इंग्लिश में ही दिया जा सकता है। और जो बच्चा रिटन क्वालिफाई करता है वो आगे जो है इंटरव्यू के लिए प्रोसीड करेगा बेटा। मेडिकल एग्जामिनेशन होना तय है, वहीं पर आपको जो है मेडिकल एग्जामिनेशन हो जाएगा जब आप जो है आपका मेरिट आ जाएगा। एग्जामिनेशन सेंटर्स आर जनरली लोकेटेड इन द स्टेट कैपिटल्स और इन सिटीज, हर शहरों में, हर राजधानी में, लगभग सभी जगह पर RIMC के सेंटर्स आते हैं सभी प्रदेश में। तो आपको अपने शहर में उम्मीद है कि आपको अपने शहर में सेंटर मिल जाएगा। स्कॉलरशिप अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप वेरीज फ्रॉम द स्टेट एंड इज बिटवीन ₹10,000 to ₹50,000 पर एनम, 10,000 से लेकर 50,000 के बीच में आपको स्कॉलरशिप भी मिलने वाली वहां पर, अगर आप RIMC का हिस्सा होते हैं तो। एंड थैंक यू सो मच बेटा, जा करके सबसे पहले फॉर्म मंगा लीजिए, ठीक है, देहरादून चले जाइए, खुद फॉर्म लीजिए, खुद भरिए, मैं तो सबको यही सजेस्ट करता हूँ। और या फिर अभी आपके पास समय है तो आप जो है बाय डिमांड ड्राफ्ट भी अपने फॉर्म को आप ऑर्डर कर सकते हैं, वहां से यहाँ आएगा, और पहले तो आप यहाँ से DD भेजोगे, DD से वो उधर से फॉर्म भेजेंगे, फिर अगेन अपना फॉर्म फिल करके वहां भेजोगे। तो ये पूरा प्रोसीजर है, इस प्रोसीजर को आपको फॉलो करना होगा। 2 दिसंबर को आपका एग्जाम लगा हुआ है, दैट इज योर, वो नहीं आगे पीछे होने वाला है। समय जितना भी आपके पास है उसका आप जितना ज्यादा यूटिलाइजेशन कर पाए वो कर पाए, कर लें, ठीक है। Pathfinder डिफेंस एकेडमी में क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुका है RIMC का, तो आप आ सकते हैं और मोस्ट वेलकम, जहां पर आपको रहना खाना सारी चीजें एवरीथिंग
सब कुछ सुबह से लेकर शाम तक पढ़ाया जाएगा, खाना पीना सब कुछ आपको प्रॉपर तरीके से मिलेगा बेटा यहाँ। तो आप सभी लोग जो भी आरआईएमसी के लिए क्रैश कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं वो पाथफाइंडर डिफेंस एकेडमी का हिस्सा बन सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके अपनी सीट बुक कर लिए ताकि आपको आने के बाद किसी भी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। ओके बच्चा, जय हिंद जय भारत।